अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। आज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बेटे सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया थे कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते उसके डेफिनेशन देखे, फिर बेसिक टर्म्स देखे, सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं और बाउंड्रीज किसे कहते हैं, ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे बेटे, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे। इसी के साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम देखे, जो कि दो मेन प्रॉपर्टीज थी आपके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी और दूसरा कौन सी थी बेटे आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। और आज हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटे इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ द सिस्टम स्टार्ट करेंगे। स्टेट मींस कंडीशन, सिचुएशन, उसके हालात। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं इसको समझ जाओ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम से रिलेट करता उस सिस्टम का प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यह आपका कहलाता थर्मोडायनेमिक सिस्टम। A known set of variables which describe the system completely. एक वो set जो के system को अच्छे तरीके से क्या कर सके, बतला सके कि उस system का temperature क्या है, उस system का pressure क्या है, उस system का volume क्या है, इसके कहते हैं state of the system. A known set of variables which describe the system completely, मतलब उसने सिस्टम के टोटल हालात के बारे में बतलाना। टोटल हालात मतलब कौन से, अब हालात बोलेंगे सर वहां पे बहुत ही बारिश हो रही, सर वहां पे बहुत ही अमीर लोग हैं, वहां पे बहुत गरीब लोग हैं, वो उससे लेना नहीं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, मतलब ये आपका कहलाएगा स्टेट ऑफ द सिस्टम। अच्छे अच्छा मुझे समझ में आता है बेटे, स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम किससे रिलेट करता। आपने बोला सर एक नॉन सेट है, नॉन सेट जिसको हम जानते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, इसे क्या कहते हैं हम, वेरिएबल्स। ये तब्दील होते रहते बेटे, इसके अंदर तब्दीली वाकई होती है। क्या होती रहती है इसके अंदर तब्दीली वाकई होती है। तो डेफिनेशन समझ में, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बाय या डिस्क्राइब बाय देयर मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं बेटे, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। और एक सेकंड पॉइंट इसके अंदर, इफ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ द सिस्टम टू बी चेंज, अगर उसको मैं आसान लॉ से बताऊं, अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया बेटे, वो चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इसका प्रेशर P1, इसका टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 है, अगर इसके अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इसका जो प्रेशर हो जाएगा फिर बेटे P2, इसका V2 और इसका हो जाएगा आपका ये T2। मतलब क्या होगा, अगर इस, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट के ऊपर गौर करो, अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, आई बात समझ में, तो हम क्या कहेंगे आपका उस स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो गया, चेंज। यहां पे दिया हुआ इफ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर चेंज, अगर उसके अंदर से एक भी उसकी खसूसियत अगर क्या होती बड़ी तब्दील हो जाती तो उस तब्दीली की वजह से आपका सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम भी क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, अगर उसके अंदर से एक भी प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है तो हम क्या कहेंगे आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होगा बेटे, तब्दील हो गया। इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज आर चेंज देन वी कैन से दैट आवर स्टेट ऑफ द सिस्टम इज टू बी चेंज। अगली बात समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलेंगे, स्टेट फंक्शन कौन सा है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन या दो स्टेट वेरिएबल्स अभी मैं आपको बताया वेरिएबल्स कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या होने वाले होते हैं बेटे, चेंज होने वाले होते हैं। तो हम क्या कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन दो स्टेट वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। बात समझने को, कौन सी है, शुरुआत और एक उसका लास्ट,
उन्हें दरमियान में किधर से आया क्या आया, उन्हें सिर्फ उन्हें पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन, यही कंडीशन को उन्हें क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो उसके ऊपर हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, दोस स्टेट वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो स्टेट फंक्शन समझ में आ गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ और सिर्फ उसके शुरुआत में और आखिर में इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, और उसने ये चेंज होने के बाद कौन सा रास्ता अख्तियार करा उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बतलाएगा। आई तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा, मतलब उसको ये पहली स्टेट थी, ये उसकी दूसरी स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट स्टेट है, उसकी सेकंड स्टेट है, ये सिस्टम आपका ये यहां से यहां जा रहा, तो वो सिर्फ ये मतलब कि इसकी इनिशियल स्टेट है और ये आपकी कौन सी है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। लेकिन उन्हें यहां से यहां पर चेंज होने के बाद कौन सा रास्ता इख्तियार करा, कौन सा मैकेनिज्म इख्तियार करा, उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। और एक मतलब मैं डेफिनेशन बता दूं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच इज डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। पाथ के माने आते बेटे रास्ते के, पाथ के माने किसके आते, रास्ते के आते, मतलब वो सिस्टम आपका जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा, उसने चेंज होते वक्त कौन सा रास्ता अख्तियार करा वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। स्टेट फंक्शन ये समझ में आना बहुत जरूरी है। स्टेट फंक्शन मतलब किसको बोलते बैठे हम, विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल स्टेट। आई बात समझ में, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, इनिशियल और फाइनल स्टेट। और एक मतलब मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास एक सिस्टम है, ये दूसरा बी सिस्टम है, ये सिस्टम ए है और ये टाइम तब्दील होगा बेटे, ये बी में तब्दील होगा। आई बात समझ में, लेकिन ए से बी में तो ये तब्दील हुआ, लेकिन ये रास्ता नहीं बदला है किस तरीके से चेंज हुआ, सिर्फ ये पहले बताएगा ये पहले यहां था और ये यहां है। आई बात समझ में, स्टेट फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में, विच डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील होते हैं, कौन सा रास्ता अख्तियार करा उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं देगा। आई बात समझ में, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टेंट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हमारे पास मैकेनिज्म होता है फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में, तो लेकिन यहां पर वैसा नहीं, ये रिएक्टेंट है, ये उसका प्रोडक्ट, इसी के बारे में वो मालूम देगा किस तरीके से तब्दील हुआ उसके बारे में यहां पर मालूम देगा, कि उसको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। तो हमारे पास स्टेट फंक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है E, मतलब उसको इंटरनल एनर्जी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसको यू भी बोलते हैं, यह है आपका डेल्टा H, मतलब इसको इंथाल्पी बोलते हैं, S मतलब एंट्रोपी। तो एक खास बात याद रखो बेटे, जितने भी स्टेट फंक्शन है थर्मोडायनेमिक्स में कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स, बहुत सारे हैं दूसरे भी एग्जाम, हम वन बाय वन आगे देखेंगे। अब उसके बाद है दूसरा जो बोर्ड पे टर्म नजर आ रहा है आपको, पाथ फंक्शन, नाम से पाथ के माने आते रास्ते के, पाथ के माने क्या आते रास्ते के, किसके आते हैं रास्ते के। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, मतलब एक सिस्टम ये ए है और दूसरा सिस्टम हमारा कौन सा बेटे बी, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा, तो ये जो डिपेंड इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका ये रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिस्टम एक सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते वक्त वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। स्टेट तो यहाँ पर डिफरेंस ये है, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, पाथ फंक्शन में। तो अच्छे तरीके से जरा ज़हन में बिठा लो, स्टेट फंक्शन मतलब क्या, विच डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, मतलब ये इसकी शुरुआत है और ये उसका आखिर है, मतलब इससे जो रास्ता जो अख्तियार किया हो उसके ताल्लुक से वो कुछ भी नहीं बताया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। पाथ फंक्शन किसको बोलेंगे, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, और जो स्टेट ए से बी में जब कन्वर्ट हुआ तो उसने कौन सा रास्ता अख्तियार किया था चेंज होने के वास्ते, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन ये है आपका हीट आता है बेटा, दूसरा इसके एग्जाम्पल वर्क के है, यह हो गया आपका पाथ फंक्शन। अब इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको बोलते हैं बेटा मालूम है क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए तब्दील होने के वास्ते जो ऑपरेशन जो रास्ता अख्तियार करते हैं उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस मतलब आप पूछेंगे एडमिशन का प्रोसेस होता, बहुत सारे मैं भी तो प्रोसेस में इख्तियार करते, तो यहां पर आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब किसको बोलेंगे, वेयर अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय अ ऑपरेशन, ऑपरेट होता बिना वजह नहीं होता, चेंज हो जाता होता है कि नहीं, उसके अंदर कोई वेरिएबल्स क्या होना पड़ते बेटे, चेंजेस होना पड़ते। तो जब सिस्टम आपका क्या होता, चेंजेस होता फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बहुत सारे टाइप्स है, अभी हम जस्ट उसका इस लेक्चर के अंदर खाली उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसके पास है बेटे
आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये थर्मोडायनामिक्स की जान है बेटे। ये अगर प्रोसेस अगर सब अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो थर्मोडायनामिक्स आगे समझने के वास्ते क्या होती है बहुत ही आसानी हो जाती। तो ये हम लेक्चर में आज स्टार्ट किए थे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम किसको बोलते हैं, अननोन सेट ऑफ वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली। मतलब थर्मोडायनामिक्स का वो सिस्टम जिसको अच्छे तरीके से मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने को हम क्या बोलते हैं उसको स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम के अंदर जो है ये इसको जो प्रॉपर्टीज है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये मेजरेबल इसको काउंट कर सकते हैं, इसको स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, इसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं। अगर इसके अंदर एक भी चेंज हो गया तो आप क्या सकते हैं तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या हो गया आपकी चेंज हो गई। उसके बाद हम देखें स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं। स्टेट फंक्शन बहुत ही आसान है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। मतलब शुरुआत में और उसके इख्तिताम के ऊपर भी क्या होगा वो गौर किया जाएगा, उसने कौन सा रास्ता अख्तियार किया चेंज करने के वास्ते उसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं देगा। दूसरे हम क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर आपका सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब्दील हो रहा तो वहां पर वो कौन से रास्ते से स्टेट कौन से रास्ता वहां पर उसने अख्तियार किया उससे क्या कहेंगे हम। मतलब सीधी सीधी बात है कि वो कौन से रास्ते से वो क्या हुआ तब्दील हुआ स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब उसको कहेंगे पाथ फंक्शन। The change from one state to another state which depends on the path followed by the system. System ने कौन सा रास्ता वहां पर क्या किया बेटा इख्तियार किया। और उसके बाद हमने देखे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के वास्ते जो ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं हम, दूसरे क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के एग्जाम डिफरेंट टाइप्स है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसके पूरे प्रोसेस के तालु से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।